झारखंड राज्य का निर्माण जल, जंगल और जमीन के नाम पर हुआ था। राज्य में गठबंधन की सरकार भी जल, जंगल, जमीन और आदिवासियत नाम पर सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन आज आदिवासियों के जमीन को लूटा जा रहा है। यही कारण है कि रांची के चापटोली के रहने वाले केशव मुंडा अपने परिजनों के साथ मदद की गुहार लेकर रांची विधायक सीपी सिंह के आवास पहुंचे। केशव का आरोप है कि उनके पुश्तैनी जमीन पर जमीन माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। उन्हें डराया और धमकाया जाता है, पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही है। वहीं इस पर विधायक सीपी सिंह ने कहा, दुर्भाग्य है कि आदिवासियों के जमीन को लूटा जा रहा है। पुलिस प्रशासन उल्टे इन्हीं को हाजत में बंद करती है, इन्हें गालियां देती है। पुलिस प्रशासन कब्जा करने वाले लोगों के पक्ष में खड़ा रहती है। सीपी सिंह ने कहा, केशव मुंडा के विषय को लेकर एसएसपी से बातचीत हुई है। इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्या कहते हैं? देखिए, दुर्भाग्य है कि झारखंड के अंदर जहां हमारे आदिवासी भाइयों की आबादी 25-26% है, जल जंगल जमीन पर इनका अधिकार है और इन्हीं की जमीन को लूटा जा रहा है और प्रशासन, पुलिस प्रशासन उल्टे इन्हीं को जेल में हाजत में बंद करती है, गंदी गंदी गालियां देती है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करती है और जो कब्जा करने वाले लोग हैं उनके पक्ष में खड़ा होती है। अभी पुद्दाक से केशव मुंडा जी और उनके साथ ये जो देख रहे हैं दर्जनों लोग आए हैं, ये सारे के सारे महादेव पाहन के वंशज हैं। सीओ ने स्पष्ट चिट्ठी में लिखा है कि चूंकि यह जमीन रैती जमीन महादेव पाहन के नाम से दर्ज है, अतः उस पर महादेव पाहन के वंशजों का हक है। वैसी स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति कैसे जमीन पर कब्जा कर सकता है? आज इलाही नगर में मैं देख रहा हूँ, इनके पास 15.20 एकड़ जमीन था, आज सारा कब्जा कर लिया गया और मात्र 2 एकड़ कुछ बच रहा है, उस पर भी कब्जा हो रहा है। ये जमीन के दलाल सब, चाहे जो भी हो, आज इस तरह की चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। हमारा ये कहना है कि भाई पुलिस का काम क्या है? न्याय दिलाना। आप उल्टे जमीन मालिक को ही आप प्रताड़ित कर रहे हैं, हाजत में बंद कर रहे हैं, उनको खाने पीने वहाँ नहीं दे रहे हैं, गंदी गंदी भदी भदी गालियाँ दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में रांची जिला पुलिस प्रशासन का काम सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि जमीन पर कब्जा दिलाने का काम, यानी अवैध कब्जाधारियों को पीछे से संरक्षण देना, दिन दहाड़े खड़ा होना उसके लिए, इस बात को दर्शाता है कि वे सिर्फ पैसा के लिए सब काम करते हैं। मैं अभी एसएसपी से बात किया हूँ, उन्हें सारी चीज़ों को बताया है। मैं इनकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, सीपी सिंह लड़ेगा और इनके साथ अन्याय नहीं होने देगा। इसके आगे भी सड़क से है कि इसमें थाना का इन्वॉल्वमेंट है तो थाना पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य इस बात है कि जब भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात कीजिएगा तो कहते हैं हम देख लेते हैं। अरे भाई, इसमें देखने की क्या बात है? एक जनप्रतिनिधि सारी बातों को समझकर बोला है तो आप उसको तहकीकात कीजिए। और वैसे थाना प्रभारी और उनके वहाँ के पुलिस वाले लोग जो गाली गलौज किया, मारपीट किया, हाजत में बंद किया, वैसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई नहीं होती तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे पुलिस अधिकारी जो आर्थिक दोहन करते हैं उसकी हिस्सेदारी ऊपर तक जाती है, इसलिए वे नीचे के पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चूँकि मैं देख लिया हूँ कागज़, ये सारा जमीन महादेव वाहन के वंशजों का है, ये हक उनका है।
इस पर कोई दूसरा काबिज नहीं हो सकता। सर करना तो पुलिस को है ना, तो जब पुलिस ही मिली हुई है कब्जा करने वालों के साथ, तो न्याय कैसे मिलेगा। इसीलिए मैंने वरीय पुलिस अधीक्षक से बात किया हूँ और मैंने कहा है और उन्होंने बुलाया है मिलने के लिए, मैं उन्हें भेज रहा हूँ कि जाइए मिलिए, मिलकर अपनी सारी बातें बताइए। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे मैं कार्रवाई करूँगा, ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के पास जाऊँगा इन्हें लेकर। हम लोग जब गए ज़मीन का बात करने के लिए तो वो लोग हम लोग को मारपीट करने लग गए, फिर नाजिर जो बोलते हैं उसका साला और उसकी पत्नी, मतलब उसका साला दोनों हमको बोलने लगे कि बोलने लगे ना कि मतलब गंदा गंदा गाली देने लग गए हमको, और फिर बोले कि तुम जहाँ मिलेगी ना वहाँ तुमको हम रेप कर देंगे, ऐसे बोलने लगे, मारने का धमकी भी देने लग गए, उल्टा सामान भी निकाले थे जो बंदूक होता है वही निकाल के फिर डराने लग गए, फिर शरीर में भी यहाँ वहाँ मतलब क्या बोले सब जगह हमको अचानक से ऐसे वैसे टच करके पटक दिए, फिर हम मम्मी सबको बुलाएं तो मम्मी सब आई तो मम्मी सबको भी मारने लगा है, इतना अत्याचार हो गया है। तो इसमें जल्द से जल्द हम लोग के लिए सम्भलता दिखलाइए और कार्रवाई कीजिए। अभी विधायक सिटी सिंह आया बोले जी बताइए क्या था समस्या और विधायक जी के पास आप लोग क्यों आए थे। समस्या यह था कि हमारा जमीन के चलते ही समस्या का समाधान था करने के लिए हम आए थे। सिटी सिंह यहाँ से गुहार लगाने आए हैं कि सर इस तरह से हमें दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और जो वहाँ काम करने वाले गुंडे लोग भी गुंडे लोग का साथ देता है थाना प्रभारी वाले लोग। कहाँ है जमीन आपका? मेरा ये लाही नगर पुंडाग एरिया पड़ता है वहाँ पर है। तो कौन कौन लोग कब्जा करके बैठे हैं? कब्जा तो किया है सर नाजे नाम करके और ये करके है, और उसमें काम करा रहा है दाना इमाम और छटुआ नाम करके और अमजद गद्दी नाम करके और सादिक नाम करके। तो देखे थाना गए तो जो थाना नहीं थाना बोल रहा है कि तुम लोग भागो यहाँ से, तो तुम लोग को बंद करके इतना पीटेंगे कि तुम लोग ने अब लूट देंगे जेल में, और बहुत भादे भादे गलिया देने लगा। अब बताइए कि उसको हम बोले कि आप उसका क्या कौन चीज़ को कौन आधार पर आप हमको अंदर किए हैं, और जो जिसके पास नहीं है उसको क्यों छोड़ा गया, लेकिन उसके प्रति कुछ नहीं वो लोग। विधायक जी के पास पहुंचे क्या तो विधायक जी यही हमको आश्वासन दिया कि आपका चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए विधायक सीपी सिंह जी हमें आश्वासन तो दिया, अब आगे क्या होता है नहीं होता है तो विधायक जी का ही थाना प्रभारी का बात है कि वो बहुत लोग हम लोग से उदंड काम किया है और उदंड काम करते आया है। थाना प्रभारी तो क्या बोलते हैं गोकुलेश्वर महतो नाम करके था, और बड़ा बाबू सब और वहाँ का जितना भी छोटे बाबू लोग सब हम लोग से नीच, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है, जिसका चीज़ है वो हम लोग को आदिवासी का नीच दिखा के हम लोग को भद्दी भद्दी गलियाँ भी देते हैं और पिटाई भी करते हैं और जेल में रातों रात रात और दिन भी रखते हैं और खाने के लिए भी नहीं देते हैं और पानी पीने के भी तरसता है कि पानी भी नहीं पिलाना है इस साल सबको मरा देना है यहीं पर ही सबको। इस तरह का लैंग्वेज भाषा और बोलने का भी वो लोग का तरीका नहीं है। प्रशासन हो के क्या प्रशासन क्या करता है, दोनों पक्ष और विपक्ष को रखा जाता है, तो क्यों एक पक्ष को रख के वो हमको अंधेरा में रख लिया, इसका कारण क्या है बताइए हमें। क्या नाम हुआ बता? केशव मुंडा मेरा नाम है। हाँ केशव पहान नाम करके। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।